क्या होगा अगर मैं एक स्मार्टफोन को अपने हाथों में उठाऊं और टाइम मशीन में बैठ के, हाँ वो मैंने ब्रिगाडून विलेज के अंदर छुपा रखी है, कोई शक? अगर है तो जाके चेक कर सकते हो। हाँ, तो मैं उस स्मार्टफोन को अगर टाइम में पीछे ले जाता हूँ, एग्जैक्टली अगस्त 1902 में स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट ऑफिस के गेट के सामने। अब आप सोच रहे होगे कि मैं इसी जगह पे क्यों आया हूँ, क्योंकि इस ऑफिस के अंदर काम करता है एक ऐसा इंसान जिसको अभी तो कोई नहीं जानता है, पर फ्यूचर में कोई बुला नहीं पाएगा। हाँ, तुम टाइटल देख के तो समझ ही गए होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान की जो साइंटिस्ट होते हुए भी अपने टाइम में एक सेलिब्रिटी से ज्यादा पॉपुलर था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो जब उसकी छुट्टी होती है और वो बाहर निकल के आता है, तब मैं उसके पास जाता हूँ और उसके हाथों में वो फोन पकड़ा देता हूँ। देखो, तुम में से अगर किसी को जर्मन आती है तो चलना मेरे साथ, बात वगैरह कर लेना उससे, मुझे तो आती नहीं है। तो मैं उसे चार्जर और फोन पकड़ा के जल्द से जल्द वहाँ से भागने की कोशिश करूंगा, एक ऐसी जगह पे जाके छुपूंगा जहाँ टाइम पेट्रोल वाले मुझे कभी नहीं पकड़ सकते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं अपना प्लान रिवील करने पे लगा हूं। व्यूज के लिए करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर का अल्बर्ट आइंस्टाइन बाहर आ रहा होगा। तुम बोलोगे, भाई इस जगह पे तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, तू उस फोन को लेके दूसरे यूनिवर्स की टाइमलाइन में जाएगा, ना कि हमारी वाली टाइमलाइन में। इसे पैरेलल यूनिवर्स भी कह सकते हैं, जिसमें कुछ भी चेंजेस कर लो, रियल वाले यूनिवर्स पे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये याद दिला दूं कि ये कोई साइंस चैनल नहीं है, हालांकि आधे ज्यादा कंटेंट उसी के ऊपर है, पता नहीं क्यों। और दूसरी बात ये कि ये जो टाइमलाइन वाली थ्योरी है, ये भी तो एक थ्योरी ही है जिसके अंदर भी कई सारी कमियां हैं, बाकी थ्योरीज की तरह। एमसीयू ने अगर अपनी मूवीज में से यूज किया है, दैट डजंट मीन कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। मल्टीवर्स थ्योरी के अलावा भी तो और थ्योरीज हैं, जैसे कि ये और ये, एक्सप्लेन नहीं करने वाला मैं इन्हें। पर हाँ, मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ कि जो टाइमलाइन वाली थ्योरी है, या मल्टीवर्स कह लो, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट नज़र आती है बाकियों के मुकाबले, और शायद इसीलिए ज़्यादातर एक्सपर्ट्स भी इसे ही भाव देते हैं। ओके, लेट्स बैक टू अवर इमेजिनेशन। तो मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के हाथों में वो फ़ोन पकड़ा के वापस 2023 नहीं, मैं जाता हूँ जून 2009 में। इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है, वो तुम्हें वीडियो के एंड तक पता चली जाएगा। तुम लोग शायद यहाँ पे सोच रहे होगे कि वो फ़ोन तो आइंस्टाइन के लिए डब्बा ही है, उस टाइम पे स्विस्कॉम या राउटर कहाँ से आएगा। तो तुम्हें क्या लगता है, मैंने इस बारे में नहीं सोचा होगा, सैनडिस्क को जानते हो, जो कि एक नहीं स्पॉन्सर नहीं है, जो कि एक टेराबाइट तक स्टोर कर सकता है। तो उसके अंदर मैं अलग अलग फोल्डर्स बनाऊंगा, जैसे सबसे पहला फोल्डर होगा वीडियोस का। तुम सोच सकते हो कि मैं इसमें किस टाइप की वीडियोस डालूंगा। नहीं छोड़ो, रहने दो, तुम लोग मत सोचो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हें हिमालय पे कुछ टाइम बिता के आना चाहिए। मैं उसमें डालूंगा वीडियोस लाइक अभी रिसेंट में जो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं उनकी, जैसे चंद्रयान 3, फ्लाइंग कार्स, फोल्डेबल फोन्स, स्पॉट, एटलस, बॉस्टन डायनेमिक्स के खिलौने तो कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल लगते हैं। साथ ही और थोड़े बहुत ऐसे गैजेट्स जो हमें तक तो फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, उन्हें अगर कोई 80s का किट देख लेगा तो उसका क्या हाल होगा, लाइक होलोग्राफिक डिस्प्ले और अल्बर्ट आइंस्टाइन के ही कुछ डीप फेक्स। अगर तुम ये शब्द पहली बार सुन रहे हो तो ऐसे समझ लो कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने अभी के टाइम पे सबकी फाड़ के रखी है। तुम किसी की भी फेक वीडियो बना सकते हो जो कि एक्सट्रीमली रियल लगती हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ टाइम बाद कोर्ट्स वीडियोस को एज अ प्रूफ नहीं लेंगे। और सिर्फ डीप फेक्स ही नहीं, मैं कुछ मूवीज भी डाल दूंगा, लाइक अवतार 2, एंड गेम। समझ में तो आने वाली है नहीं क्योंकि ये दूसरी मूवीज से कनेक्टेड हैं, पर आइंस्टाइन जैसे क्यूरियस इंसान को शायद समझ में आ जाएं। अब ये तो हो गए एग्जांपल्स वीडियोस के, इनके अलावा अब बारी है रिसर्च पेपर्स की। तुम्हें पता ही होगा कि अभी रिसेंटली इस इंसान ने करीब 107 मिलियन रिसर्च पेपर्स को रिलीज किया था, जिनको कोई भी एक्सेस कर सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है फ्री में। देखो, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है, तुम लोग तो शॉर्ट्स और रील्स के लिए बने हो, पर साइंटिस्ट्स के लिए ये खजाने से कम नहीं है, क्योंकि इनके अंदर एक इन्फॉर्मेशन का यूज करके वो लोग एक्चुअल में गोल्ड बना सकते हैं लैब के अंदर। ये सब चीज़ें तो फिर भी अल्बर्ट को हजम हो जाएंगी, पर एक चीज़ जो कि हजम नहीं होगी वो है AR टेक्नोलॉजी। इसे देखने के बाद तो आइंस्टाइन को रियलिटी पे ही शक होने लगेगा। इनमें से कोई एक ऐप डाल दूंगा और उस फोन की लैंग्वेज को भी जर्मन में ही सेट करना पड़ेगा, क्योंकि शायद तुम ये बात नहीं जानते होगे कि आइंस्टाइन को इंग्लिश आती तो थी, पर उतनी ही जितनी तुम्हें आती है। तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मैंने आखिर आइंस्टाइन को ही क्यों चूज किया है, और भी तो लोग हैं लाइक लंबे बालों वाला बच्चा।
तो मैं तुम्हें बता दूं कि न्यूटन को तो साइंटिस्ट बनना ही नहीं था, उसे तो आदिवासी हेयर ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर बनना था, पर किसी ने लड़की समझ के उसके पीछे एक एप्पल फेंक के मार दिया। अब बदला तो लेना पड़ेगा ना। और गैलीलियो, जिनका लास्ट नेम तो मैंने आज तक प्रोनाउंस कर ही नहीं पाया अपनी पूरी ज़िंदगी में, बाय द वे मैं पर्सनली इन लोगों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई, अंदर से रिस्पेक्ट निकलती है, तुम्हें भी करनी चाहिए। इनकी वजह से स्कूल में जो तुम्हारे ऊपर कोड़े बजाए जाते थे, फिर घर जाके चमड़े की बेल्ट, वो सब किसकी देन है? इन्हीं लोगों की तो देन है। और दिल पे पत्थर रख के कभी कभी ये बोलना पड़ता है कि ये लोग ग्रेट थे, पर हाँ ये काफ़ी बोरिंग भी थे। इनके मुकाबले आइंस्टाइन का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। हाथों में एक सिगार, बाजू में दो लड़कियां नहीं पत्नियां, वेरीफाइड, प्लस दुनिया भर का फेम। साइंटिस्ट वर्ड सुनते ही सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? और एल्बर्ट के बारे में तो मुझे थोड़ा बहुत पता भी है, बाकियों के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है। नाउ अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, तभी तुम्हारे सामने एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक इंसान बाहर निकल के आता है, जो कि तुम्हारे हाथों में एक फ्यूचरिस्टिक सा चूहा पकड़ा के चला जाता है, और वो चूहा भी तुरंत ही तुम्हारी स्किन के अंदर घुस जाता है क्योंकि वो नैनोटेक से बना है। तो मुझे बताओ तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? ऐसा ही कुछ हम एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब मैं उसके हाथों में वो फ़ोन पकड़ाऊंगा। आइंस्टाइन घर जाके सबसे पहले उसे हर एक एंगल से देखेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चक्कर में पावर बटन दब जाएगा एंड आइंस्टाइन के कमरे में रोशनी रोशनी हो जाएगी। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे वो गुफाओं में रहता था। हो सकता है वो फ़ोन छोड़ के बाहर भाग जाए वॉलपेपर देख के, पर क्यूरियोसिटी उसे वापस खींच के ले आएगी। तो सबसे पहली स्क्रीन पे सिर्फ एक ही ऐप दिख रहा होगा, वो है गूगल फाइल्स, ताकि आइंस्टाइन सबसे पहले उस कंटेंट को देखे जो मैंने उसमें डाला है, जो मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। नाउ यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो आइंस्टाइन वो फ़ोन अपने पास ही छुपा के रखेगा जिंदगी भर, या फिर वो फ़ोन किसी ऐसे इंसान के हाथों में लग जाएगा जो कि उसे गवर्नमेंट तक पहुँचा देगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत ज़्यादा बड़ा बवाल हो जाएगा, और उसे तो ना मैं इमेजिन कर सकता हूँ और ना ही इस वीडियो में कवर कर सकता हूँ। उसके लिए तो फिर मुझे जर्मन की गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, और फिर अभी तो कुछ टाइम बाद नाजी पार्टी का भी राइज होने वाला है। दैट्स वाई पहली वाली पॉसिबिलिटी को ही मान के चलते हैं। तो जो वो वीडियोज डाली हैं वो तो फालतू की हैं, असली जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो है उन रिसर्च पेपर्स के अंदर। निकोला टेस्ला से लेके स्टीफन हॉकिंस, सब की पूरी जिंदगी भर की मेहनत उन्हीं पेपर्स के अंदर छुपी हुई है, और वो हाथ भी लगी है एक ऐसे इंसान के जिसका ब्रेन अनस्टॉपेबल है। पर हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आइंस्टाइन उन यूजलेस ऐप से एडिक्टेड हो जाए और अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं में निकाल दे, ये हो सकता है, पर चांसेस बहुत कम है, इंटरनेट है नहीं और एप्स भी बहुत लिमिटेड है। देखो जहाँ तक मुझे लगता है तो आइंस्टाइन उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ेगा, कई सालों तक पढ़ता ही चला जाएगा क्योंकि वो ख़त्म तो होने वाले हैं नहीं। और देखते ही देखते 1905 में आइंस्टाइन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स रिलीज करेगा जिनसे पूरी दुनिया हक्की बक्की रह जाएगी। एकदम से दुनिया को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिल जाएगी, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट E=mc² जैसी इक्वेशंस भी। सारे साइंटिस्ट एकदम से जलने लग जाएंगे आइंस्टाइन से, सिवाय एक के, थॉमस एडिसन। वो तो चोर था एक नंबर का, उसे तो साइंटिस्ट बोलना भी नहीं चाहिए। और आइंस्टाइन वो इंसान थोड़ी ना जो यहीं पे रुक जाए। 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, और देखते ही देखते उस टाइम की साइंस कई लेवल्स आगे बढ़ जाएगी, और शायद इस सब का क्रेडिट आइंस्टाइन खुद ही रख ले। एंड लास्ट डिस्कवरी होगी EPR पैराडॉक्स। पैराडॉक्स से याद आया, अभी यहाँ पे मैं तुम्हें एक दिमाग बेंड कर देने वाली चीज़ बताता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ही इस सब का पार्ट हूँ, लाइक मैंने पास्ट में जाके स्मार्टफोन देके कुछ भी चेंज नहीं किया, बल्कि ऐसा ही होना था। ऐसे समझो कि मैं पास्ट में गया COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए, लेकिन मेरी वजह से ही वो फैल गया। मैं उस इंसिडेंट से अलग कभी था ही नहीं, मैं उसका ही एक पार्ट था, और शायद यहाँ पे मैं एक लूप के अंदर फंस जाऊँ। लाइक वो COVID-19 फैल गया, फिर कुछ टाइम के बाद फ्यूचर में मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ उसे रोकने की, पर अगेन वो मेरी गलती की वजह से ही दोबारा फैल जाता है, और ये लूप बार बार कंटिन्यू होती रहेगी। हाँ टाइम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्या कुछ? डेट्स वाई यूज योर टाइम वाइजली। अभी मैंने जो कुछ भी बोला मुझे पता है वो तुम्हारे ऊपर से निकल के गया है, इसीलिए इस चीज़ को अगर तुम और अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम प्रीडेस्टिनेशन मूवी देख लो, काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया इसे। तो पास्ट में इतना बवाल मचाने के बाद तुम्हें क्या लगता है, मैं 2023 में लौट के आऊँगा? ना बिल्कुल भी नहीं,
सबसे पहले मैं जाऊंगा किसी मॉल के अंदर और कपड़े खरीदूंगा पार्टी के लिए। फिर फाइनली मैं जाऊंगा अपने गुरुजी की शरणों में, जो कि मेरा ही इंतजार कर रहे होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर, ठीक 28 जून 2009 शाम के 6 बजे। मेरे बिना तो पार्टी अधूरी है, राइट? और सिर्फ मेरे गुरुजी हैं जो मुझे टीवी से बचा सकते हैं। जो बीवी से करे प्यार, वो स्टीफन हॉकिंग से कैसे करे इनकार। बाय।